जय माता दी। दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे काल भैरव अष्टमी के बारे में। यह अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होती है उन लोगों के लिए जो लोग अपने जीवन में दुश्मनों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, यानी कि जिन लोगों को उनके दुश्मन हमेशा ही परेशान करते रहते हैं, उनके लिए आए दिन परेशानी खड़ी करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, तो ऐसे में आपको काल भैरव अष्टमी का लाभ उठाना चाहिए। काल भैरव भगवान शिव के ही रूप माने जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के तीव्र रूप होने के कारण इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रयोग होते हैं वे बहुत दुगनी तेजी से असर भी दिखाते हैं। इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रयोग होते हैं कभी भी खाली नहीं जाते हैं, और अगर आपका दुश्मन आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है तो वह निश्चित ही आपका पीछा भी छोड़ देता है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। अगर आपके जीवन में भी आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, आए दिन आपके लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है, जिसकी वजह से आपके जीवन पर बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि सभी के दुश्मन होते हैं। बीमारी भी एक तरह का दुश्मन ही होती है, क्योंकि उसमें भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, फिजूल खर्च करता है और कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है। तो दुश्मन भी कई प्रकार के होते हैं। इन सभी प्रकार के दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए काल भैरव अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास और विशेष मानी जाती है। इसके साथ ही जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो अष्टमी से अच्छा दिन कोई भी नहीं होता है, क्योंकि अष्टमी तो अपने आप में ही सिद्ध होती है, और इन्हीं दिनों पर अगर कोई त्योहार होता है जैसे काल भैरव अष्टमी, जन्माष्टमी, इसी प्रकार के जितने भी त्योहार अष्टमी पर होते हैं वे अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास और सिद्ध माने जाते हैं। अब दोस्तों जिन भी लोगों की कोई मनोकामना है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको काल भैरव अष्टमी पर शिवलिंग पर धतूरे का फल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही कच्चा दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन धतूरे के पत्ते और धतूरे का फल अगर आप काल भैरव अष्टमी पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वह निश्चित ही पूरी होती है। काल भैरव भगवान शिव के ही तीव्र रूप माने जाते हैं, और जो भी लोग इनकी पूजा करते हैं उन पर किसी भी प्रकार का तंत्र ना तो हो सकता है और ना ही उन्हें कोई दुश्मन परेशान कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसे खुद ही बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। शिवलिंग पर इस दिन धतूरे का फल चढ़ाने से और अपनी मनोकामना बोलने से आपकी निश्चित ही बहुत ही जल्दी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, आप शिव मंदिर में जब भी जाते हैं शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो उसके बाद आप नंदी के कान में भी अपनी मनोकामना बोलनी बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि इससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बिल्कुल भी दवाई असर नहीं कर पाती है, ठीक ही नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को तो इस दिन पर धतूरे का फल जरूर ही चढ़ाना चाहिए। अगर वह मंदिर नहीं जा सकते हैं तो वह सिर्फ धतूरे के फल को छूकर भी कोई और व्यक्ति उनको शिवलिंग पर चढ़ा सकता है। इससे बीमारी बहुत ही जल्दी सही होने लगती है। अब दोस्तों जो भी लोग अपने दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके दुश्मन बहुत ही ज्यादा उनको परेशान करते हैं, तो उनको करना है कि अपने दुश्मन की एक फोटो आप जरूर ले लें, और फोटो लेने के बाद आपको यह फोटो किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर धतूरे के पत्तों के साथ कपूर की सहायता से जलानी है। ध्यान रखें कि आपको सूरज ढलने से पहले ही यह प्रयोग करना है। आपको धतूरे के पत्ते लेने हैं और उन पर उस व्यक्ति की फोटो रख कर कपूर की सहायता से आपको यह फोटो जला देनी है, और जब आप जलाएंगे तो आप प्रार्थना करें कि यह दुश्मन आपका बहुत ही जल्दी पीछा छोड़ दे और कभी भी आपको दुखी ना करे। बस इतना करने से आपका दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाता है, इसके बाद वह आपसे दोस्ती का स्वभाव रखने लगता है और यह बहुत तीव्र असर करता है। बल्कि अगर वह आपको परेशान करने की कोशिश भी करता है तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जिस भी फोटो का इस्तेमाल आप करेंगे आप कोशिश करें कि वह फोटो बिल्कुल भी पुरानी ना हो, नई रिसेंट फोटो आप लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। बस इसी प्रकार से आप इस काल भैरव अष्टमी का लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो काल भैरव अष्टमी पर बहुत ही ज्यादा तंत्र प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन काफी लोग इन सभी चीजों को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने आपको आसान सी चीजें बताई हैं जिनको सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, और इनके असर भी
बहुत जल्दी आपको दिखते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों काल भैरव अष्टमी का लाभ उठाएं। आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई समस्या है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर हमें बताया करें कमेंट कर। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुटकर्माज बढ़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।